हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल निर्मला आरी वर्क में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक एम्ब्रॉयडरी आरी स्टिचेस के बारे में। तो पहले हम ले लेते हैं स्केल, उसके बाद हमको लेनी है वाइट पेंसिल, कटर, थ्रेड कट करने के लिए अपनी एक तर की सुई लेनी है, और आपको नॉर्मल थ्रेड लेना है जो सिलाई के मशीन सिलाई के काम में आता है, कॉटन थ्रेड, कॉटन थ्रेड, पॉलिस्टर थ्रेड। आपको प्रैक्टिस इसी से करनी है। आप बिगिनर्स हैं तो आपको इससे ही प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप थ्रेड के एंड में आपको नॉट लगा लेना है इस तरह से, एक दो तीन ऐसे करके आपको नॉट लगा लेना है। ये देखिए, ये हमारा नॉट लग गया। अब इसको अंगूठे और बीच की उंगली के बीच में रखना है ये नॉट को, और घुमाते हुए इसको वापस लेकर आना है अंगूठे और बीच की उंगली के बीच में। इस तरह से हमको थ्रेड को ऐसे ऐसे रखना है। एक बार फिर से देख लीजिए, ये नॉट को अंगूठे और बीच की उंगली के बीच में रखना है ऐसे, और फिर इसको घुमाते हुए हमको इस तरह से इस धागे को भी यहाँ पर लाना है, ऐसे रखना है। फिर हमारी जो सुई है वो इस तरह से धागे को पकड़कर ऊपर ले आएगी। इस तरह से हम लूप निकालेंगे अपना। तो सबसे पहले हमको लाइन बना लेनी है। आप बिगिनर्स हैं तो आपको लाइन बना के ही उसके ऊपर स्टिच करना है, क्योंकि आप अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप स्टिच करोगे तो आपकी नीडल कहीं और चली जाएगी, कहीं इस तरफ जाएगी, कहीं इस तरफ जाएगी, तो वो प्रॉपर आप सीख नहीं पाओगे। तो इसके लिए आपको लाइन बना ले रही है, उसके ऊपर आपको स्टिच करना है। इस तरह से आपको लाइन बना लेनी है, ये देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर आपको स्टिच करना है। सबसे पहले हम कपड़े के नीचे से देख लेते हैं, धागा ऊपर लिए, कपड़े के नीचे सुई डाले, धागा लपेटे, ऊपर खींचे, फिर कपड़े के नीचे सुई डाले, धागा लपेटे, ऊपर खींचे, कपड़े के नीचे सुई, धागा लपेटे, ऊपर खींचे। आपको नीडल में दो बार धागा नहीं लपेटना है। अगर आप दो बार धागा लपेट रहे हो तो आपकी नीडल फंस जाएगी, कपड़े के ऊपर नहीं जाएगी। आपको इस तरह से लूप निकालते जाना है। ये नीचे का है, इसी तरह से आपको लूप निकालते हुए ऊपर जाना है। अब देख लीजिए हमारी नीडल कैसे टर्न होनी चाहिए, आगे पीछे, आगे पीछे, इस तरह। इस तरह से हम थ्रेड को ले लेंगे और कपड़े के नीचे इस तरह रखेंगे और लूप निकाल लेंगे ऐसे। हमारी सुई का मुंह हम उस तरफ जा रहे हैं तो हमारी सुई का मुंह उस तरफ रहेगा, और ऐसे निकालने के बाद एक बैक स्टिच लेना है। उसके बाद हमको आगे बढ़ना है इस तरह से ऐसे। शुरू शुरू में जब आप सीख रहे हैं तो फिर आप बड़े बड़े ही टाके लीजिए, छोटे छोटे टाके मत लीजिए। इस तरह से
आपको सुई को पूरा ऐसे पीछे टर्न करना है। ऐसे ही हमारी सुई नीचे गई, धागा फंसाए, ऊपर खींचे और पूरा पीछे टर्न हो गई सुई हमारी। सुई नीचे गई, धागा फंसाए, ऊपर टर्न करते हुए ऊपर लिए सुई, फिर नीचे गई, धागा फंसाए, ऊपर ऊंचे आगे। ये देखिए हमारा सुई का पॉइंट उस तरफ है, हम उस तरफ जा रहे हैं तो हमारा सुई का पॉइंट उस तरफ है। ऐसे सुई कपड़े में नीचे गई, धागा फंसाए, और जैसे जैसे हम धागा फंसाते हैं ये हमारे सुई का पॉइंट है उस तरफ। ऐसे लेना है, कपड़े के नीचे सुई डालनी है, धागा फंसाए, ऐसे लेंगे जैसे जैसे कपड़े को टच हुई सुई वैसे आपको तुरंत ऐसे घुमा लेनी है। हमारी सुई ऐसे रहेगी। जो हमारा सुई का पॉइंट है अंदर जाएगी जब तो ऐसे रहेगी, और जब आप ऊपर खींचोगे धागे जब इसमें लूप ले लोगे और सुई को जब आप कपड़े के ऊपर खींचोगे तब इसको आप ऐसे पूरा टर्न लेना है, सुई पूरी पीछे की तरफ जाएगी। ऐसे आगे कपड़े के अंदर गई, फिर जब आप ऊपर कपड़े के ऊपर खींच रहे हो सुई को तब सुई पूरी पीछे ऐसे टर्न हो जाएगी। जब ये सुई पीछे ऐसे टर्न होगी तभी आपकी सुई बाहर निकलेगी। अगर आप टर्न नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही ऊपर खींचोगे तो आपका कपड़ा फट सकता है, आपकी सुई बाहर नहीं आएगी। मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने सुई को कपड़े के अंदर डाला, ये कपड़े के अंदर गई, धागा लपेटे और ऊपर खींच रही हूँ मैं। देखिए इस तरह से सुई ऊपर नहीं आ रही है, ऐसे हमारा कपड़ा फट सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये हमारी सुई कपड़े में गई, धागा लपेटे और जैसे कपड़ा टच हुआ वैसे तुरंत सुई को हम टर्न कर देंगे, पीछे की तरफ आ जाएगी एकदम से। ये कपड़े के अंदर गई सुई, धागा लपेटे और ऊपर टर्न करते हुए ऊपर पीछे आगे, सुई का पॉइंट आगे, कपड़े के अंदर, धागा लपेटे और पीछे करते हुए ऊपर ले लिए, फिर सुई का पॉइंट आगे, कपड़े के अंदर, धागा लपेटे और पीछे टर्न करते हुए ऊपर खींच लिए, आगे धागा लपेटे और टर्न करते हुए पीछे खींच लिए। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। और आपकी ये जो सुई है वो आपको खड़ा ऐसे रखना है, इस तरह से ऐसे बेंड नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। आप अगर ऐसे बेंड करोगे तभी भी आपको प्रॉब्लम होगा। इस तरह से देखिए आपकी सुई बाहर नहीं आएगी, इस तरफ आप कर रहे हो तो भी आपकी सुई बाहर नहीं आएगी। आपको इसलिए आपको ये अपनी सुई ऐसे, आपकी सुई हमेशा ऐसे खड़ी रहनी चाहिए, ऐसे आपको प्रैक्टिस करते जाना है। सुई का पॉइंट आगे, थ्रेड लपेटे और ऐसे घुमाते हुए बाहर निकाल लिए, सुई का पॉइंट आगे आ गया, कपड़े के अंदर डाले, धागा लपेटे और घुमाते हुए बाहर निकाल लिए, सुई का पॉइंट आगे, कपड़े में डाले सुई, धागा लपेटे और पीछे की तरफ घुमाते हुए ऊपर निकाल लिए। आपको इसी तरह प्रैक्टिस करना है। पूरे आरी वर्क का ये मेन है, आप ये प्रैक्टिस कर लिए अच्छे से तो आप समझ लीजिए कि आपने आधा आरी वर्क ऐसे ही सीख लिया।